हेलो हेलो ठीक हेलो 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 ठीक हेलो हेलो थोड़ा सा बेस ट्रबल बढ़ा दे, कम करना बेस ट्रबल खोल दे। पवन सुत हनुमान के ग्राम के देवी सर्वप्रथम सभी महानुभाव को सादर प्रणाम करते हुए जय जय सीताराम। बड़ी खुशी की बात, मां भगवती के दरबार में आपके आदर्श ग्राम में मां नर्मदा के तट ग्राम नानमेर में श्री हरि भजन मंडल रंधाल जिलावा तहसील होशंगाबाद ये अपनी द्वितीय प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से पेश कर रहा है। हम बच्चों से जो भी त्रुटियां हो कृपया अपना समझकर कार्यक्रम शांति एवं विश्वास के साथ में सुनिएगा और हम बच्चों का उत्साह वर्धन कीजिएगा।
नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो माँ सरस्वती, नमो नमो दाता मेरे, विनय बारंबार आज तेरे दरबार में ये दुखी आकारे चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुदा लख बर मल जस जोता यक फल पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हमें पवन तने हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हर काल में सबसे पहले भगवान गजानंद गणों साहब को पूछते हैं, मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं। कहा है दयालु इस सभा में मेरी लाज साज आवाज आपके हाथों में है, आपको मेरी बिगड़ी बनाना है, क्या कहना है? माजिर जाके राज दुलारे शिव शंकर के अर्धिपति हो सिद्धिपति मेरे द्वारी खड़े बस आम तुम्हारे विघ्न बिना सच होता कन्या को तुम्हारे एक समय की बात जब देवताओं के बीच में तूतू मैमे की स्थिति आ जाती है, कहा कि प्रथम पूज का स्थान किसको मिले। भगवान भोलेनाथ सबकी घट घट की जानने वाले आज एक प्रतियोगिता की रचना रचते हैं कि जो भी पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा वो ही प्रथम पूज माना जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहन से जाते हैं, भगवान गजानन भी अपने मूसक वाहन तैयार करके चलते हैं, लेकिन मन में विचार आता कि अगर मैं इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुआ तो अपनी मातृता की सेवा से दूर हो जाऊंगा। लौट कर आते हैं और अपने माता और पिता दोनों को बिठा कर सात परिक्रमा देते हैं, उसी समय से प्रथम पूज का स्थान प्राप्त कर लेते हैं। क्या होता है क्या? आ
हमें गणराज जगवाले करते रहे तो शुद्ध गणराज को मेरा पार। भगवान गणेश को राज तिलक हो रहा है, अभी तक तो गौरी के गणेश थे लेकिन अब गणों के राजा बन रहे हैं, तो क्या कहना है। और राज तिलक करे नारे गल्ला जा बनाए के एक जानन महाराज राजा बना के गल्ला जा बनाए के प्रथम पूज पर नारे देखो चक्कर लगा महाराज मेरे देवा 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 और मेरी खबर रेवा के तट पर मां से प्रार्थना करते हैं, वंदना करते कि मैया जो भी तुम्हारे दरबार में आता है, क्योंकि आपने तो भगवान भोलेनाथ से ऐसा वरदान प्राप्त किया कि आपके दर्शन मात्र से ही सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, क्या कहना है। संक्रियम शरण शरण में आप पड़े तो कृपा करो मैया तेरे दरबार दुखिया खड़े दुखियों के बीच में ये पार्वती करे मोहा। क्या कहना है। हे मेरी मैया, आपने सबकी बिगड़ी बनाई है,
मुझ पर भी दया करना, क्या कहना है? अरे मेरी भगवानी कर दो मजधार में मैया, इस पान कर दो सिंह जी कहा और पप्पू भैया नांदेड़ वाले इनकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद आशीर्वाद की कामना चाहते हैं, क्या कहना है? कि तुम्हारे दर से जो भी आए I'm gonna make it.
से तुम हर घर के जो भी आएगा, तुम हर घर के जो भी आएगा सदा खुशहाल वो रहे। हमारी से हमारी से हमारी से श्री अमित सिंह जी तहा नांदेड़ वाले इनकी ओर से 101 रुपए की राशि आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुई। कहा है कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। मां एक नाम जो ममता का, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती और मां की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मान के पालती है चार चार बेटों को एक माँ, लेकिन चार चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। एक बात और, एक माँ ने 5 बेटों पर ममता लुटाई है, एक माँ ने 5 बेटों पर ममता लुटाई है, लेकिन ममता का सिला किसी में ना आए है। जायदाद का बंटवारा कर लिया बाप के मरते ही सभी ने, जायदाद का बंटवारा कर लिया बाप के मरते ही सभी ने, एक माँ थी जो किसी के हिस्से में नहीं आई है। क्या कहना माँ से, हे मेरी भैया अल्लाह के भैया तेरी लगाई कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेल ना कहूँ से दोष की हो तुलसीदास ने लिखा है कि जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई, क्योंकि मानो तेरी उमरिया पल पल ढलते जा रही है। क्या कहना है, अभी भी वक्त है मोह माया की जाल से छूट जा। क्या कहना है, और तूने प्रीत नहर से क्यों निस्दिन खटे उमरिया दोहरी के मोह माया में आए मानो के मोह माया में पागल हुआ माया में पागल हुआ।
ए मानो हरि भजले हरि जपले हरि भजले हरि जपले और तूने वृद्ध कहल के जोड़ी जितने खटे हो मरिया अरे काहे काया में काया में पागल